स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यमशम फन में। आज हम ब्राज़ील इस देश के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इस देश की सीमाएं लगभग साउथ अमेरिका के सभी देशों से लगती है, चिली और इक्वेडर को छोड़ के। इस देश की सीमाएं 10 देशों से लगती है। इस देश की राजधानी ब्रासिलिया है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि साउथ अमेरिका का आधे से भी ज़्यादा भाग ब्राज़ील के पास है। ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822 को यूनाइटेड किंगडम ऑफ पुर्तगाल से आज़ादी मिली। पुर्तगीज ने ब्राज़ील को 300 साल तक राज किया। ब्राज़ील का नाम ब्राज़ीलवुड नामक पेड़ से रखा गया है। आज हम ब्राज़ील के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। रियो डी जनेरियो बहुत लंबे काल तक ब्राज़ील की राजधानी रही। 1960 में रियो डी जनेरियो से बदलकर ब्राज़ीलिया को राजधानी बनाया गया। रियो तट के नज़दीक थी, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी को देश के बीच लाया गया। एक वक्त में पुर्तगाल की राजधानी रियो डी जनेरियो हुआ करती थी। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम अमेज़न के नाम से जानते हैं। इसके पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ है। यह पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के 7वें क्रमांक पर आता है। यह पुर्तगीज भाषा बोली जाती है। यह प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ के लोग बहुत शिक्षित है। यहाँ लगभग 90% लोग शिक्षित है। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतन 76 साल है। एयरपोर्ट्स के मामले में ब्राज़ील दुनिया में दूसरे नंबर का देश है अमेरिका के बाद। यहाँ की करेंसी को ब्राज़ीलियन रियल कहते हैं। यह हमारे 15 रुपये के बराबर है। यह प्राइस वीडियो रिकॉर्ड की गई उस दिन की है। ब्राज़ीलिया शहर को बनाने में केवल 40 महीने लगे, यानी कि 4 साल में ब्राज़ील देश की राजधानी बनकर तैयार हो गई। यह शहर एरोप्लेन जैसा दिखता है। ब्राज़ील में वोटिंग करना अनिवार्य है। यदि आप वोटिंग नहीं करते तो आपका पासपोर्ट रद्द भी हो सकता है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी एक्सपोर्टर देश था, अब तीसरे स्थान पर है। यह दुनिया के टॉप 25 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है। ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका कभी एक हुआ करते थे, परंतु कालांतर के साथ ब्राज़ील अफ्रीका से अलग हो गया। साल्वाडोर दुनिया का सबसे बड़ा अफ्रीकन शहर है अफ्रीका के बाहर। साओ पाउलो इस शहर की इकोनॉमी लार्जेस्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में। साओ पाउलो में दुनिया का सबसे बुरा ट्रैफिक लगता है। सांबा म्यूजिक ब्राज़ील में जन्मी थी। यहाँ का लोकप्रिय सरनेम सिल्वे है। यहाँ के लगभग सभी शहरों में फुटबॉल ग्राउंड है। रियो डी जनेरियो के स्टैचू के बारे में आप जानते ही होंगे। इस स्टैचू का वजन 650 टन है। यह स्टैचू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। यहाँ आज भी लगभग 70 ऐसी ट्राइब्स है जिनके साथ अभी भी दुनिया का कोई संबंध नहीं आया है। यह यूनेस्को के 21 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यहाँ लगभग 15 से 20 लाख लोग जापान से ताल्लुकात रखते है। यहाँ हर साल 65 लाख टूरिस्ट आते है। यहाँ का रियो कार्निवल काफी फेमस है। यहाँ के मछुआरे डॉल्फिन्स की मदद से मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ फुटबॉल का बहुत क्रेज है। इस देश ने अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। कुल 5 बार इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। आखिरी बार 2002 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। इस देश ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े नामी फुटबॉल के खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि पेले, रोनाल्डिन्हो और अभी के नेमार जूनियर। ऐसे बहुत से खिलाड़ी दिए हैं इस देश ने दुनिया को। ब्राज़ील के पीटर ब्रायन मेडावर ने मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता था 1960 में। वह केवल अकेले ऐसे ब्राज़ीलियाई नागरिक है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरी ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील में लगभग 40 लाख प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है। ब्राज़ील के अधिकार क्षेत्र में एक टापू आता है जिसका नाम इल्हा दा कुइमाडा ग्रैंडे है। इसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ हर एक मीटर वर्ग में कम से कम 5 सांप मिलते हैं। इस आइलैंड पर 20 लाख सांप है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।